माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे एक बार फिर चर्चा में आ गई। ये वही शकुन पांडे हैं जो महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने वाली हिंदू महासभा की नेता हैं। यूपी के अलीगढ़ में गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने वाली पूजा शकुन पांडे एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने इस बार अलग अलग स्कूलों के टॉप करने वाले बच्चों को गिफ्ट के तौर पर चाकू तलवारें बांटे हैं, और ये चाकू तलवारें उन बच्चों को बांट रहे हैं जो नाबालिग बच्चे हैं। उनके हाथ में अभी से हथियारों की भाषा सिखाने का काम कर रही हैं शकुन पांडे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है हथियारों को उठाना। खबरों के मुताबिक पूजा शकुन पांडे ने मंगलवार को वीर सावरकर की जयंती के मौके पर अपने नौरंगाबाद घर पर ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को बुलाया गया था जिन्होंने अपने अपने स्कूल की परीक्षाओं में टॉप किया है। इस कार्यक्रम में टॉप किए गए बच्चों को उन्होंने गिफ्ट के तौर पर कलम कॉपी न देकर उनके हाथ में चाकू तलवारें दी। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर क्लास 6 से 10 तक के बच्चे हैं। शकुन पांडे ने नाबालिग बच्चों को कार्यक्रम के दौरान बच्चों को ये कहकर हथियार बांटे कि धर्म खतरे में है और ऐसे में इसकी सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को आत्मरक्षा के लिए चाकू तलवार दिए गए हैं, उन्हें संदेश दिया गया है कि अपनी रक्षा खुद करें। इस दौरान बच्चों को राष्ट्रवाद विषय पर एक किताब भी दी गई भगवा रंग की। इस किताब पर खुद पूजा शकुन पांडे और वीर सावरकर की फोटो भी है। पूजा शकुन पांडे पहले भी विवादों में रह चुकी हैं और महात्मा गांधी का अपमान करने पर उन्हें जेल की हवा भी खा चुकी हैं। बता दें कि 30 जनवरी 2019 को महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने का एक वीडियो वायरल हुआ था। यह गोलियां पूजा शकुन पांडे ने ही मारी थी जिनको कुछ दिनों बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पूजा पांडे ने बापू का पुतला बनाकर उसके ऊपर एयर पिस्टल से फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद बकायदा खून की धारा निकलती है थी। इस मौके पर पूजा पांडे समेत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी नाथुराम गौडसे जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गोली मारने के बाद सभी लोग बहुत खुशी से हंसते हैं कि उन्होंने एक महान कार्य करा था, और अब फिर दोबारा वो चर्चा में आ चुकी हैं कि उन्होंने बच्चों को हथियार बांटे, बच्चों को किताबें कॉपी किताब पेंसिल्स देना चाहिए और उनके हाथों में राष्ट्र खतरे में है यह बोलकर सभी बच्चों को हथियार दे दिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।